नमस्कार, सवाल इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावली बीजेपी छोड़ आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 12 अप्रैल को जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लक्ष्मण सावली का नाम नहीं था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी अहम खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से, जहां कल से 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी हो सकती है बंद। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल ने रोक रखा है प्रस्ताव। तीसरी अहम खबर, प्रधानमंत्री असम दौरे पर हैं। आज नॉर्थ ईस्ट को गुवाहाटी एम्स की सौगात दी उन्होंने, साथ ही विपक्ष पर हमला बोला, कहा पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की। चौथी और अहम खबर आपको बता दें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती है, और इस खास मौके पर 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना के सीएम ने यह उद्घाटन किया। तो सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से, जहां ऊर्जा मंत्री आतिशी ने ये अंदेशा जताया है कि कल से दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बावजूद राज्यपाल ने फाइल रोक रखी है, वो उनसे मिलने का समय चाहती हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री को बेवजह उपराज्यपाल पर निराधार आरोप लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऊर्जा मंत्री गलत बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करें। ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि जब डेडलाइन 15 अप्रैल थी, तो उन्होंने सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए। तो यहाँ पर आपने आतिशी को सुना, जो कि दिल्ली की ऊर्जा मंत्री हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कल से 46 लाख को जो परिवारों को बिजली सब्सिडी दिल्ली में जो मिलती है, वो अब नहीं मिलेगी। इस तरह का अंदेशा है क्योंकि उपराज्यपाल ने जो सब्सिडी को लेकर जो फाइल भेजी गई थी, उसको रोक रखा है। वहीं ये भी कहा उन्होंने कि एलजी ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से ये कहा गया है कि गलत बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने से बचना चाहिए ऊर्जा मंत्री को। तो हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में एक बार से फिर सियासत साफ तौर पर यहाँ पर हो रही है, और उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की एक मंत्री इस वक्त आमने सामने हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बावजूद ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है कि उसके बावजूद राज्यपाल ने फाइल को रोक के रखा है, जिसके कारण जो सब्सिडी मिलनी होती है दिल्ली में, जो बिजली की सब्सिडी लेते हैं लोग, उनको वो सब्सिडी मिलने में अब शायद वो सब्सिडी उन्हें ना मिले, ऐसा ऊर्जा मंत्री का कहना है। और उनसे उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा था, उनको नहीं मिला। इस पूरे मामले पर उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि गलत बयानी से ऊर्जा मंत्री को बचना चाहिए, लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। जब डेडलाइन 15 अप्रैल थी, तो उन्होंने सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा।
और कर्नाटक से खबर, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होंगे लक्ष्मण सावदी, जो कि कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, सिद्धारमैया से मिले हैं, डीके शिवकुमार से उन्होंने मुलाकात की है, और एक बड़े नेता माने जाते हैं, लिंगायत समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं लक्ष्मण सावदी। बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी को इस बार अभी तक टिकट नहीं दिया था, जो दो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं था, जिसके बाद वो खासा नाराज हुए। और 12 अप्रैल जब दूसरी लिस्ट आई थी बीजेपी की, तो उसमें उनका नाम नहीं था, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। और आज माना जा रहा है कांग्रेस उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और वहां पर शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण सावदी कांग्रेस के भीतर। I had a detailed hour-long meeting with him, so I wanted my CLP also to meeting, my general secretary also meeting. We have finished our meeting. He is resigning. Then he has been admitting to the Congress party. There is no condition. It is our bound duty. He is a very senior leader of the BJP. Was a deputy CM. He had 5 years of his tenure, but still he feel that he has been humiliated. It is our bound duty to take such great leaders to the Congress party. There are still so many leaders, about more than 9-10 sitting legislators who wanted to join us, but we are just looking, we don't have a space to accommodate them. If without any conditions, if they come, definitely we'll take them. और बेंगलुरु से हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहाल, यहां पर इस्तीफा दे दिया था लक्ष्मण सावदी ने, और कब तक वो आज बताया जा रहा है यहां पर शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में, और किस तरह से राजनीति में वो दबदबा कर्नाटक की राजनीति में रखते हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं वो? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि डीके शिवकुमार जो अभी लक्ष्मण सावदी के बारे में बता रहे थे कि बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी में ह्यूमिलिएशन हुआ है इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं, यही डीके शिवकुमार दूसरे नेता 2011 में लक्ष्मण सावदी और पॉर्न मूवी देखते हुए विधानसभा में पकड़े गए थे, उनको ग्लू बॉय कहे पुकारते थे, यही डीके शिवकुमार। विधानसभा में इस बात को लेकर हंगामा होता था कि आप जांच कर लीजिए, आप ब्लू बॉय कह के कैसे बुला सकते हैं हमें। आज वो ब्लू आइड बॉय कांग्रेस के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस का हाथ थामा है। जहां तक उनके शामिल होने का सवाल है, तो जैसा कि डीके शिवकुमार ने कहा है कि अब आज वो शामिल हो जाएंगे, तो इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। उन्होंने लक्ष्मण सावदी ने बेंगलुरु आने के बाद बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब से थोड़ी देर में वो मिलने वाले हैं विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, और वहां इस्तीफा देने के बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तकनीकी तौर पर यह रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर कर्नाटक के बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, लिंगायत हैं, और वहां पर कहते हैं कि क्योंकि वो जो उत्तर कर्नाटक का इलाका है जहाँ से अथनी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, बेलगावी, गुलबर्गा, ये सब सारे इलाके जो वो लिंगायतों के दबदबे वाले इलाके हैं, और वहाँ पे इससे अगर इतने बड़े नेता का रिवोल्ट होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत, एक अच्छा संकेत नहीं है। सिर्फ मामला लक्ष्मण सावदी तक ही सीमित नहीं है, मडाल वीरूपक्षा, वो भी उत्तर कर्नाटक के लिंगायत नेता हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है। लोगों में एक आम धारणा लोगों में हो गई है कि राज्य सरकार, जिसके कि मुखिया खुद एक लिंगायत नेता है बसवराज भोमई, उनकी शह पे वो छापामारी हुई, ऐसी एक आम भावना यहाँ हो गई है, वो भी लिंगायत नेता है। तो और साथ साथ जगदीश शेट्टार को ले लीजिए, वो भी उत्तर कर्नाटक से हैं, वो भी लिंगायत नेता है। तो कुल मिलाकर के एक जो लिंगायतों को लेकर के जो एक यहाँ पर वर्चस्व की जो बात कही जाती है, और जिस तरह से लिंगायत नाराज हो रहे हैं एक के बाद एक, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर यहाँ कर्नाटक में खड़ी हो गई है। बिल्कुल, और निहाल, यहाँ पर हमने देखा कि दो लिस्ट अभी तक जो आई है बीजेपी की, उसमें जगदीश शेट्टार जो है वो भी नाराज है, ईश्वरप्पा भी नाराज चल रहे हैं, और यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो इस्तीफा दे ही चुके हैं। एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी, लिस्ट जारी होने के अगले दिन ही आई थी, जो समर्थक नेता कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी। देखिए बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए लिंगायतों का जो वोट है 18% के आसपास है, उसके बाद नाराज कौन है, 16% के आसपास यहाँ पर अनुसूचित जाति का वोट है। उसके तीन बड़े नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, आप नेहरू ओलेकर को ले लें, कुमारस्वामी को ले लें, ये सब बड़े नेता हैं। ओबीसी के नेता कुरबा समाज से हैं, आर शंकर, जिन्होंने परसों इस्तीफा दिया,
वो विधायक थे। आप शेखर को लीजिए, वो भी शेड्यूल कास्ट के नेता है, उन्होंने एमएलए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो ये 15% का ये जो वोट बैंक है उस पर एक प्रहार तो है ही है, और साथ ही साथ कोरबा समाज जो ओबीसी से आता है उसके बहुत बड़े नेता हैं ईश्वरप्पा, ईश्वरप्पा नाराज चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाए तो उनके बेटे को दे दिया जाए। अगर ईश्वरप्पा को बीजेपी ऑब्लाइज नहीं करती है तो कर्नाटका में कोरबा समाज का जो सबसे बड़ा नेता होगा वो सिद्धरमैया होगा, और यानी कि कांग्रेस पार्टी को एज मिलेगा इससे, बीजेपी इसलिए भी दुविधा में है। तो नाराज कोरबा चल रहे हैं, यहाँ पे नाराज शेड्यूल कास्ट के नेता चल रहे हैं, नाराज लिंगायत चल रहे हैं। बीजेपी के लिए वाकई जब से ये टिकट का बंटवारा हुआ है यहाँ पर मुश्किल काफी बढ़ गई है बीजेपी। जी नेहाल, यहाँ आप ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया था 4% मुसलमानों को जो आरक्षण यहाँ पर कर्नाटक में मिला हुआ था, बम्बई सरकार ने उसको वापस ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा वहाँ पर कल राज्य सरकार को, उसका उस फैसले का आप पूरा इस चुनावों पर किस तरह से असर देखते हैं? देखिए, जिस दिन ये फैसला लिया था कैबिनेट ने, बसवराज बोम्मई सरकार की आखिरी कैबिनेट ने, उसी दिन कांग्रेस और जेडीएस ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह सिर्फ लोगों को वर्गलाने की कोशिश है। अब जब चुनावी माहौल हो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कर्नाटका सरकार का यह कहना कि 18 तारीख तक यानी जो अगली सुनवाई है तब तक वो अपने फैसले को लागू नहीं करेंगे, तो इसके बीच में एक खबर और आ गई। जब 6% एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया कर्नाटका सरकार ने, तो वो जो एक स्लैब जो था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, वो बढ़कर के 56% हो गया। इसको कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ऐसे में कानून में संशोधन के लिए एक लेटर यहां से भेजना चाहिए था केंद्र सरकार को, वो कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिन पहले भेजा है। इसको लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर रिजर्वेशन स्लैब में जो बदलाव था वो भी बैकफायर होता हुआ बीजेपी के लिए फिलहाल दिख रहा है। जी नेहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज कांग्रेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना जा रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण सेवादी, जो बड़े एक नेता है, रह चुके हैं बीजेपी के, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी कर्नाटक के रह चुके हैं, और आज वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी नेहाल किदवई। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नासिर और जुनैद हत्याकांड में 2 गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ निकलकर उसमें आया, देखेंगे ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का सामान घर से शिफ्ट किया जा रहा है। तुगलक रोड, 12 तुगलक रोड पर वो रहते थे, उनका सरकारी आवास था, वो शिफ्ट होकर अपनी मां जो सोनिया गांधी उनके आवास 10 जनपद पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबा बताएं, यहाँ पर हालांकि ये पहले से ही तय था कि उन्हें अपना आवास खाली करना था, वो शिफ्ट हो रहा है, और क्या जानकारी? आप तस्वीरों में देख रहे हैं टेम्पो जो है वो उनके तुगलक रोड निवास स्थान पे पहुंच गया है, उनका सामान जो है वहां से निकाला जा रहा है। अब ये सामान लेकर के जहां तक हमारी जानकारी है वो 10 जनपद जाएंगे जहां पे सोनिया गांधी रहती हैं और वहीं रहेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि जो है आपको मालूम है कि जब से ये सूरत में केस हुआ उसके बाद से जब उनके खिलाफ फैसला आया, उनको दोषी करार दिया गया, उनको 2 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, उनकी वायनाड सीट को वैकेंट घोषित किया गया, खाली घोषित किया गया। अभी भी सूरत में जो है कल ही जो है इस मामले पे जिरह पूरी हुई है और अब अगले हफ्ते जो है गुरुवार को इस पर जो है फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी जो है अपना सामान शिफ्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब ये तय है कि वो ये घर जहाँ पे वो MP बनने के बाद से लगातार रहते रहे हैं, अब जो है ये घर वो छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन उनकी इन सब के वजह से लेकिन उनके राजनीतिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है। कल ही वो खड़गे और शरद पवार के साथ मीटिंग में भी मौजूद थे, तो आप कह सकते हैं भले ही राहुल गांधी को नियमों के अनुसार, क्योंकि उनको नोटिस दे दिया गया था और ये सब कुछ काफी जल्दी हुआ था कि जिस ढंग से उनका उनकी सदस्यता गई उसके बाद से
जो 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 प्रक्रिया है उसके तहत उनको नोटिस दिया गया। हालांकि इस पर काफी कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से, कई लोगों ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी के पास जेड प्लस सुरक्षा है, तो यदि राहुल गांधी चाहे तो सरकार उनको घर दे सकती है लुटियन जोन में सुरक्षा के नाम पे, उसका उसका जो है किराया और बिजली पानी का खर्च राहुल गांधी को देना पड़ेगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह तय किया है कि चूंकि सरकार ने उनको नोटिस थमा दिया है, और नोटिस जब एक्सेप्ट किया था उसके बाद ही ये कहा गया था कि राहुल गांधी जो है वो घर खाली कर देंगे, और आज के दिन राहुल गांधी जो है वो अपना तुगलक लेन वाला जो घर है उसको खाली कर रहे हैं। जी, और वायनाड में जब उन्होंने रैली की थी तो कहा था कि उनके पास घर नहीं है, और तमाम बातें उन्होंने कहा था कि उन्हें घर की जरूरत भी नहीं है, और वो जो जिस तरीके से सवाल उठाते रहते हैं वो उठाते रहेंगे। बाबा, ये पूरा घटनाक्रम अगर देखें, लगातार पूरा मामला मानहानि का जो मामला था, संसद सदस्यता का उनका चला जाना, और यहाँ घर शिफ्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को बतौर एक राजनेता के तौर पर, उनके कद के तौर पर किस तरह का असर उनकी राजनीति पर इस पूरे कदम से आप देख पा रहे हैं? देखिए, यदि आप राजनीतिक तौर पे बात करें तो निश्चित रूप से ये सारा पूरा मामला जो है वो लीगल होने के अलावा राजनीतिक ज्यादा है, ये सब कोई मानते हैं, और राहुल गांधी भी इस मामले को राजनीतिक तौर से ही लड़ रहे हैं। जिस ढंग से उनका जो है उनकी सदस्यता गई, जिस तेजी से गई, उस पे बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने अलग अलग बात कही, क्या राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिए थी, यही दलील जो है कल कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने भी सूरत में दी कि इतनी जल्दबाजी क्यों, और उसके बाद राहुल गांधी ने उसका स्वीकार किया जो सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने उनको घर खाली करने का आदेश दिया क्योंकि वो अब सांसद नहीं है, तो अब नियम के अनुसार उनको घर खाली करना पड़ेगा, तो वो घर खाली कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई राहुल गांधी को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये लड़ाई राजनीतिक है और इसको राजनीतिक तौर पे ही लड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने वायनाड का भी दौरा किया, वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया क्योंकि मौजूदा में वो वायनाड से ही सांसद थे और 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे वहाँ से। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं ये राजनीतिक लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और यहाँ पर बाबा हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास जो राहुल गांधी का था बतौर सांसद उनको मिला हुआ था, क्योंकि वो संसद सदस्य नहीं है तो उनको घर खाली करने का नोटिस मिला हुआ था, और अब वो अपनी माँ जो कि सांसद हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके घर पर शिफ्ट हो रहे हैं 10 जनपद पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, राहुल गांधी का जो सामान है वो शिफ्ट हो रहा है। बाबा, आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये बताएं कि इस तरह के उदाहरण कई दिए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। एक जिक्र आया था गुलाम नबी आजाद का कि वो अब तो सांसद नहीं है लेकिन सरकारी आवास में वो रह रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण होंगे, क्या इसमें जल्दबाजी है? नियमों का हवाला जरूर दिया जा रहा है, हालांकि यहाँ पे देखिए निश्चित रूप से गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो सरकारी बंगले में है, और कुछ दिनों पहले जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो ये सवाल उनसे पूछा था कि, और उस वक्त भी कई लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है राहुल गांधी के मामले में। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि इतनी जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि चूंकि वो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको जेड प्लस सुरक्षा है और उसके आधार पर उनको ये घर अलॉट किया गया है जिसका वो किराया देते हैं और बिजली पानी का खर्च देते हैं। यदि ये नियम लागू होता है तो ये नियम राहुल गांधी पे भी लागू होना चाहिए था, लेकिन अब राजनीति में जो है मापदंड अलग अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं, कर दिए जाते हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, वो 10 जनपद मूव कर रहे हैं। जी जी बाबा, बहुत ही संक्षेप में एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है और ये तस्वीरें इस तरीके की हम जो सामने देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकता और मजबूत कर दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का जब सवाल आया था हमने देखा था टीएमसी और अरविंद केजरीवाल जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे वो भी इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर साथ आ गए थे। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जो है सदन में एकता रही विपक्षी दलों की, और वो एकता अंत अंत तक कायम रही है, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि सभी विपक्षी दल के नेताओं को लगता है कि ये कुछ जल्दी ही इस मामले में तेजी से काम किया गया है। एक सीनियर लीडर जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका है, जो कई बार से सांसद है, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। तो अब ये राजनीतिक लड़ाई है और यही इसी
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी जो है अब खेमेबंदी होने के लिए तैयार हो गया है और एक बैटल लाइन जो है वो खींच गई है सरकार और विपक्ष के बीच। जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के चर्चित भिवानी हत्याकांड मामले की, जिसमें राजस्थान की भरतपुर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। नासिर जुनैद मर्डर केस के 10,000 रुपए के जो इनामी आरोपी है मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दरअसल ये पूरा मामला फरवरी का है, जब गो तस्करी के शक में नासिर और जुनैद का अपहरण किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। नासिर और जुनैद दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इनके जले हुए शव 16 फरवरी को एक गाड़ी से बरामद हुए थे। और इस पूरे मामले पर भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर हमने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जुनैद की पिटाई से मौत हो गई थी, पर नासिर जिंदा था। गोरक्षकों दोनों को गोरक्षक जो है वो भिवानी लेकर आ गए थे, जहां नासिर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव गाड़ी में डालकर पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी गई। ये तमाम बातें उन्होंने एनडीटीवी से कही है। जब इन्होंने नासिर और जुनैद का अपहरण किया, इनके साथ गंभीर मारपीट की और किसी प्रकार की कोई गौ तस्करी की गाड़ियां इनसे बरामद नहीं हुई या नहीं पकड़ी गई, जैसा आरोपियों ने बताया है, स्वयं बताया है, स्वीकार किया है कि इनकी हालत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने वहां के इनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसलिए भी मना कर दिया क्योंकि इनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी गौवंश की या कोई व्हीकल की नहीं हुई थी। इसे प्रशासनिक रूप से एक लैप्स है, जिसके लिए आपको पहले ही जानकारी है कि हरियाणा पुलिस एक इंक्वायरी कर रही है। ये उनका आंतरिक प्रशासनिक मामला है। इसमें क्रिमिनैलिटी वाले एंगल पर हमने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल किया है। हरियाणा पुलिस के कुछ लोग जो वहां पोस्टेड हैं, उन्हें नोटिसेस भी दिए हैं। दे विल बी ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनैलिटी में उनका क्या रोल रहेगा, यदि किसी प्रकार की बदयांति या कोई पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी साबित होती है तो निश्चित रूप से इस केस में कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेशनल लैब्स के लिए उनका डिपार्टमेंट ही कार्रवाई करेगा। और सौरभ शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये दोनों गिरफ्तारियां हुई है और कई अहम खुलासे यहां पर खुद गौरव श्रीवास्तव जो कि आईजी हैं वो भी करते हुए दिखे हैं और कई सवाल यहां हरियाणा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े भी होने चाहिए, क्योंकि गौ तस्करी के शक में उनका अपहरण किया जाता है, उन दोनों को पीटा जाता है, पीटने के बाद हरियाणा पुलिस थाना जो फिरोजपुर झील का है वहाँ पर ले जाते हैं गौ तस्कर। और हमने कई स्टोरीज में एस्टैब्लिश किया है कि जो गौ तस्कर हैं इनके फिरोजपुर झील का पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों से संबंध थे। ये हरियाणा पुलिस के कर्मियों के लिए काम भी करते थे, मुखबरी करते थे और कुछ रेड्स में साथ भी जाते थे। तो ये वहाँ पर ले गए पीटने के बाद और पुलिस ने देखा कि ये मरने वाले हैं, तो पुलिस ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, बोला कि आप इनको यहाँ से ले जाइए। आइडियली पुलिस को इन गौ तस्करों को डिटेन करना चाहिए था और घायल जुनैद नासिर को अस्पताल भेजना चाहिए था, लेकिन उसके बाद गौ तस्करों ने को लगा कि अब ये मर जाएंगे और गौ वंश भी बरामद नहीं हुआ है, कोई गाय भी बरामद नहीं हुई, अब तो पुलिस कार्रवाई करेगी, बाकी आगे मामला चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो गौ तस्करों की दूसरी टीम थी जो भिवानी कैथल वगैरह में ऑपरेट करती है उसको इन्फॉर्म किया और ये दोनों को सुपुर्द कर दिया दूसरी टीम को, गौ रक्षकों की। उसमें उस वक्त तक पिटाई से जुनैद मर गया। ये लोग जुनैद और नासिर की जिस बिलौरे गाड़ी में थी उसमें चला करके और अपनी गाड़ी पीछे लेकर के इनको करीब 200 किलोमीटर तक चलाते रहे एक शहर से दूसरे शहर और लेके गए भिवानी। भिवानी में रात में सुनसान जगह पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, तो उन्होंने नासिर उस वक्त तक जिंदा था, सिर्फ उसका हाथ टूटा था जया, तो इन्होंने नासिर का गला घोट कर उसकी जान ले ली,
गला घोटकर नासिर की हत्या करी और फिर दोनों के शव बुलेरो गाड़ी में बैठाया, प्रॉपरली दोनों के शव बुलेरो गाड़ी में लगाए और फिर पेट्रोल डाला बुलेरो गाड़ी में और जला दिया ताकि शिनाख्त ही ना हो पाए कि कौन है, क्योंकि बुलेरो गाड़ी ये लोग रहने वाले भरतपुर के थे दोनों, जुनैद नासिर, और भरतपुर से भिवानी लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी जलाई, शव जल चुके होंगे तो शिनाख्त नहीं हो पाएगी, लेकिन जो चेसिस नंबर था उससे ट्रैक हो गया कि गाड़ी किसकी है और कहाँ की है, तो जिस वजह से पूरा मामला खुल गया और पुलिस ने इस पूरे मामले में रिंकू सैनी जिसने सबसे पहले अपहरण किया था, पिटाई की, तो उसको गिरफ्तार किया, और मोनू राणा और गोगी जो गिरफ्तार हुए हैं ये नासिर की हत्या करने और दोनों शवों को गाड़ी में डालकर जलाने के आरोपी हैं। पूछताछ की जा रही है और पुलिस सूत्रों का कहना है पूछताछ में कुछ और भी नाम है वो सामने आएंगे, और ये ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल भी है क्योंकि पूरी ये रहने वाले राजस्थान के हैं, पूरी घटना हरियाणा में हुई, आरोपी हरियाणा के हैं, तो हरियाणा में भी कुछ आरोपियों के समर्थन में महापंचायतें भी हुई, तो बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है राजस्थान पुलिस की कि दो हत्यारे पकड़ लिए इन्होंने। जी बिल्कुल पकड़ लिया, और आपसे ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि इन पर इनाम भी रखा हुआ था, 10-10 हज़ार का इनाम था, किस तरह से ये गिरफ्त में आए, क्योंकि 16 फरवरी का मामला था, किस तरह से कहाँ कहाँ भाग रहे थे, ये कैसे पकड़ में आए राजस्थान पुलिस की, हालांकि एक बड़ी कामयाबी है भरतपुर पुलिस की। देखिए ज़्यादा डिटेल्स तो पुलिस अभी नहीं बता रही है क्योंकि अभी बाकी लोगों की तलाश भी जारी है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये लोग सब जब भागे तो कई गांव में जाकर के छुपे और उन्होंने अपने फोन्स भी बंद कर दिए, और ये यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे थे, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता, किसी से बात नहीं कर रहे थे। कुछ इन्फॉर्मर्स ने इनको सूचना दी और इन्फॉर्मर्स की मदद से इन्होंने इन दोनों को पकड़ा है। जी सौरभ आप हमारे साथ बने रहें, और एक और खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, वो है उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से देर रात तक कल पूछताछ हुई है, दोनों को प्रयागराज कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद यूपी पुलिस ने सवाल जवाब किए। कोर्ट में जमा चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद के रिश्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से हैं। उधर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद इनके शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है, और आज बताया जा रहा है कि उनके शव उनके परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। इससे पहले कल दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास माफिया अतीक का बेटा असद और उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी है शूटर गुलाम, उसको झांसी में UPSTF ने एनकाउंटर कर मार गिराया था। आज उनके शवों को दफनाया जाना है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ यहाँ पर जो पूछताछ हुई है यूपी की पुलिस ने पूछताछ जो की है अतीक से और उनके भाई अशरफ से, उस पूछताछ में क्या निकला ये बताएं, और साथ ही पोस्टमार्टम तो हो गया है, शव क्या परिवार को सौंप दिए गए हैं? अभी नहीं, देखिए शव अभी परिवार पहुंचा नहीं है झांसी, जब पहुंचेगा झांसी तो शव उनको सौंप दिए जाएंगे। जो हमारी बात हुई है झांसी पुलिस भी तैयार है, अगर वो लोग चाहेंगे कि झांसी में वो क्रिमेशन कराना चाहते हैं, अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं, तो झांसी में भी उसका इंतजाम हो जाएगा, और प्रयागराज में पहले से उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि अतीक अहमद खुद पुलिस रिमांड पर है, उसका भाई अशरफ रिमांड पर है, माँ शाइस्ता परवीन फरार है, इसके अलावा उसका बड़ा बेटा उमर जेल में है, असद के दो छोटे भाई अली और एजम दोनों बाल सुधार गृह में है, तो ऐसे में जो डायरेक्ट फैमिली है वो अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि जो असद के नाना हैं और उसके मौसा उसका शव लेंगे, और जो जहां तक लगता है कि आज अब बहुत लेट हो गई या फिर देर रात क्रिमेशन होगा या कल क्रिमेशन होगा, और भारी सुरक्षा में ये क्रिमेशन किया जाएगा असद का। उधर गुलाम की जो फैमिली है उसने शव लेने से मना कर दिया, उसका जो भाई है उसका कहना है कि गुलाम अपराध के रास्ते में था, काफ़ी कोशिश की उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की कि गुलाम सही रास्ते पर आ जाए, पर वो नहीं माना, तो आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण एक गलत काम को अंजाम दिया, इस वजह से वो गुलाम का ना शव रिसीव करेंगे और ना ही क्रिमेशन में जाएंगे गुलाम के। तो ये अपडेट्स हैं अगर बात करें क्रिमेशन को लेकर। जो दूसरा सवाल था आपका जो अतीक से पूछताछ की बात थी, देखिए कल अतीक जो है पूछताछ में ज्यादा कुछ बता। जी सौरभ आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो अतीक जो है वो कल जो है ज्यादा कुछ जवाब जी अतीक कल जो है जवाब ज़्यादा नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि वो मानसिक तौर पर परेशान है क्योंकि उसका बेटा है, उसकी आज ही मौत हुई है, वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको कुछ बातें ज़रूर जो निकल करके सामने आई हैं कि वो
अलग अलग सिम कार्ड जेल से यूज़ कर रहा था। उसने बताया कि जेल में कुछ ऑफिशियल्स थे जो पुलिसकर्मी थे, वो उसका उसके उसे बात कर रहे थे। उसने कुछ कोऑर्डिनेशन भी किया शूटर्स के बीच। उसकी पत्नी मिलने आती थी तो उसे बोलते थे कि आप सिम अपने नाम पर ना इशू कराएं, परिवार के नाम पर इशू ना कराएं, दूसरों के नाम पर इशू कराएं, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल डेटा कॉल करें, नॉर्मल कॉल्स नहीं करें। तो ये तमाम बातें अतीक ने बताई हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसका, इसको लेकर के कुछ अभी क्लियर बता नहीं रहा है। और अतीक अहमद और अशरफ से अलग अलग पूछताछ कर रही है प्रयागराज में पुलिस, और दोनों की रिमांड जो है 5 दिन की थी, तो कल एक दिन हो गया और आज दिन हो गया, अब यानी 3 दिन और हैं यूपी पुलिस का के पास उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े पूरी डिटेल्स निकालने के लिए, क्योंकि पुलिस कह रही है कि पूरा मास्टरमाइंड, पूरा जो प्लान रचा वो अतीक ने रचा था, और उसको एग्जीक्यूट असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, गुलाम और उस्मान ने किया। जी, यहाँ सौरभ इस तरीके की भी खबरें थी कि अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता, वो शायद सरेंडर कर दे जल्दी। देखिए, हमें भी सुनाई पड़ रहा है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। उनके ऊपर भी यूपी पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन पूरे प्लान से वाकिफ थी, और जो पूरा प्लान बनाया गया उसमें वो भागीदार थी, और अपने बेटे को भगाने में भी उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया, तो उनकी भूमिका भी है। पुलिस ने उनको भी FIR में उनका नाम भी दर्ज किया, अब तक फरार हैं। हो सकता है कि बेटे की मौत के बाद उनको लगा कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती निकल करके आ रही हैं, तो वो कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं, लेकिन आज कोर्ट बंद है तो हो सकता है कि आज सरेंडर ना करें, कल करें, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही आखिर में संक्षेप में बताएं, हम देख रहे हैं इसके बाद से एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कई नेताओं के बयान आए, उसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है। बिल्कुल, देखिए लाजमी है, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो ये इनकाउंटर की टाइमिंग है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव यूपी में अनाउंस हो गए हैं, निकाय चुनाव में मदद लेने के लिए बीजेपी ने इनकाउंटर किया है, क्या पुलिस न्यायपालिका से ऊपर हो गई है, ये तमाम सवाल अखिलेश उठा रहे हैं। उधर मायावती ने भी कहा है कि जो हत्या, उन्होंने हत्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने इनकाउंटर का इस्तेमाल नहीं किया है, कहा है कि उसकी जाँच हो। जाहिर सी बात है कि यूपी में निकाय चुनाव है तो बीजेपी अपने कोर वोटर्स पर नज़र बना रही है, तो उधर अखिलेश यादव अपने वोटर्स को देख करके नज़र बना रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, समूचा विपक्ष, उसका यही कहना है कि इनकाउंटर कोई जस्टिस नहीं होता है, अगर अपराधी पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ा जाए और न्यायपालिका के सामने लाया जाए और न्यायपालिका उसे सजा दे, ना कि पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर सौरभ बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे शूट आउट में क्या कुछ अपडेट था, सौरभ बता रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री के असम दौरे की। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।